अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ट्रेडिशनल टेस्ट विद जुनैर उस्मान में आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज के इंग्रेडिएंट्स देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज की रेसिपी जो है वो भिंडी से रिलेटेड है, लेडी फिंगर से रिलेटेड। तो लेडी फिंगर जो है उसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास तीन बड़े साइज़ के जो हैं वो प्याज हैं, दो बड़े साइज़ के टमाटर हैं और 8 से 9 जो हैं वो ग्रीन चिलीज़ मौजूद हैं। सामने अगर स्पाइसेस में आप देखें तो स्पाइसेस में हमारे पास है सॉल्ट, हसबे ज़ायका, अनारदाना और हल्दी पाउडर। तो चलते अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करते वक्त मैं आपको बताती चलूँ कि ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनने जा रही है कि आप अगर अपनी फैमिली में बनाएंगे तो फैमिली वाले आपसे ज़रूर इस रेसिपी को पूछेंगे। तो ज़रूर अपने घर में ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरी रेसिपी को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, वीडियो को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो करिएगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भिंडी की कटिंग करेंगे। तो भिंडी को कट करने का मैं आज आपको असल तरीका बताऊंगी कि इसको किस तरीके से कट करते हैं। इसकी फ्रंट साइड से जो है वो आपने इसको यहाँ से सेपरेट करना है और बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो इसके एज से कट करना है। और कट करने के बाद आपने इसके सिर्फ़ और सिर्फ 2 पीसेस में इसको डिवाइड कर देना है, यानी आपने दरमियाने साइज़ की इसकी कटिंग करनी है, ना ज़्यादा छोटे साइज़ की और ना ही ज़्यादा बड़े साइज़ की। इस तरीके से आपने जो है वो इसके भिंडी के जो है वो सारी कटिंग कर लेनी है। माशाल्लाह से भिंडी की जो है वो तो हमारी हो गई है कटिंग, आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह आपने कटिंग करनी है। और अब हम इसे करेंगे साइड पे और अब हम प्याज की कटिंग करेंगे। प्याज की कटिंग करने के लिए आपने कटर को जो है वो पहले वॉश कर लेना है, क्योंकि भिंडी की जो है वो थोड़ी सी लेस वगैरह जो है वो इसके साथ लगी होती है, वो आपने वॉश कर लेना है। प्याज को पील ऑफ करने के बाद जो है वो इसी तरह आपने लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लेना है, बिल्कुल इसी तरीके से लंबे लंबे स्लाइसेस आपने इसको ना ही चॉप करना है हमने प्याज को इसमें, और ना ही इसमें जो है वो बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करनी है, बल्कि दरमियाने साइज़ की लंबे लंबे स्लाइसेस जो है वो कटिंग करनी है। आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है हम प्याज की कटिंग करेंगे। माशाल्लाह से प्याज जो है वो हमारा हो गया कट लंबे लंबे स्लाइसेस में। अब हम इसे करेंगे साइड पे और टमाटर और मिर्चों की कटिंग करते हैं। टमाटरों को हम बिल्कुल भी पील ऑफ नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रंट और बैक साइड जो है उस वहाँ से कट करेंगे। और कट करने के बाद इसको मिड में से कट करेंगे, और मिड में से कट करने के बाद सेम प्याज की तरह इसके लंबे लंबे स्लाइसेस कट करेंगे। टमाटरों को स्लाइसेस में करने के बाद अब हम ग्रीन चिली की तरफ चलते हैं। ग्रीन चिली को इस तरीके से आपने मिड में से जो है वो कट कर लेना है। ये देखें, इस बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसे कट करना है। इस तरह ये टमाटर का छिलका इसी नहीं उतारा और ग्रीन चिली को इस तरह, क्योंकि जब इसको प्रिपेयर करेंगे, जब हम इसका सालन बनाएंगे, तो ये टमाटर रेड रेड और ग्रीन चिली जो है वो इस तरीके से बहुत खूबसूरत इसकी लुक आती है, बहुत ये यमी नज़र आते हैं। ग्रीन चिली हमारी हो गई है कट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हमने भिंडियों को फ्राई करना है। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे और जो हमने कटिंग की हुई भिंडियाँ थी वो इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है, इस तरीके से अब हम इसे मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे हसबे ज़ायका नमक, बिल्कुल 1/2 टीस्पून के करीब आपने इसमें नमक ऐड करना है। और साथ ही इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर, इससे जो है वो भिंडियाँ नमकीन भी और साथ मिर्चें भी ऐड हो जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इसका अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। इस तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे और बिल्कुल 15 से 20 मिनट तक जो है वो हम इसे फ्राई करेंगे ऑयल में। इससे ज़्यादा नहीं आपने फ्राई करना, इससे ज़्यादा अगर फ्राई करेंगे तो वो भिंडियाँ जो है वो बिल्कुल मुरझा जाएंगी, तो इसीलिए हम इसको जो है वो बिल्कुल थोड़े से टाइम दें
बिल्कुल हाई फ्लेम पे जो है वो फ्राई करेंगे और साथ साथ मुसलसल खिलाते जाएंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इनका कलर चेंज हो रहा है। अब इससे 20 मिनट गुजरने के बाद आप भिंडियों का कलर जो है वो देख सकते हैं कि बिल्कुल भिंडियाँ भी खड़ी खड़ी हैं। तो इसी तरह आपने इन्हें खड़ी खड़ी जो है वो बाहर निकाल लेना ऑयल से। अब मैं इस पैन में से जो है वो भिंडियों को बाहर निकाल लूँगी। पहले से भिंडियाँ जो है वो मैंने ऑयल से सेपरेट कर ली हैं, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपने ऑयल में से इसको इसी कंडीशन पे निकाल लेना है। उसी पैन में हमने हाफ कप जो है वो ऑयल दोबारा ऐड कर दिया है और जो हमने 3 बड़े साइज़ के प्याज जो है वो स्लाइसिस में कटिंग किए थे वो इसमें अब हम ऐड करेंगे। भिंडियों की तरह इसको भी हम 15 से 20 मिनट तक जो है वो बिल्कुल हाई फ्लेम पे कुक करेंगे और साथ साथ मुसलसल हिलाते जाएंगे। हाई फ्लेम पे इसलिए कुक करेंगे क्योंकि प्याज को हमने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, भिंडियों की तरह जो है वो खड़ा खड़ा ही रखना है। तो इसीलिए प्याज को भी हम 15 से 20 मिनट तक हाई फ्लेम पे ही कुक करेंगे। ठीक 15 मिनट बाद इसमें अब जाएगा हाफ टी स्पून जो है वो हल्दी पाउडर और साथ ही जो हमने टमाटर कटिंग किए हुए थे वो ऐड कर देंगे और साथ ही ग्रीन चिली जो कटिंग की हुई थी वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार आज की जो है ये रेसिपी है, अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। साथ ही इसमें जाएगा हसबे जाएगा नमक, मिर्च जो है वो अपने हिसाब से जो है वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक को ऐड करने के बाद अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर सिर्फ 5 मिनट्स के लिए रख देंगे ताकि टमाटर जो है वो हमारे गल जाए। टमाटर जो है वो हमारे गल चुके हैं, अब हम इसमें साथ ही ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई की थी भिंडियाँ वो ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून अनारदाना और अनारदाना डालने के बाद अब हम इसे जो है वो 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर मिक्स करने के बाद दम पे रख देंगे। देख के ही आपको पता चल रहा होगा इसकी जो है वो शक्ल से ही कि ये कितनी मज़ेदार बनी है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा और वाकई ये बहुत मज़े की बनी है। 15 मिनट बाद जो है वो हमारा दम जो है वो आ चुका है, आप देख सकते हैं कि कितने मज़े की भिंडियाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि भिंडियाँ कितनी मज़े की बनी है। जी तो नाज़रीन, मज़ेदार और गर्मा गर्म भिंडी की रेसिपी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चपाती के साथ और रायते के साथ आप इसे सर्व करें। तो आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक ओके, अल्लाह हाफिज़।